धनबाद जिला युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा मंगलवार को इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन हाउसिंग कॉलोनी स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले कांग्रेस कमेटी और जिला युवा कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्य एवं कार्यकर्ता ने इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के फोटो पर पुष्प चढ़ाकर उनके दिए विचारों को याद किया। वहीं इस मौके पर मुख्य रूप से धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की जिला उपाध्यक्ष शाहिदा कमर उपस्थित थी। शाहिदा कमर के पुत्र ने ब्लड डोनेट किया। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रशीद रजा अंसारी ने कहा कि आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इस मौके पर जिला युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा 100 यूनिट ब्लड दान करने के लक्ष्य के साथ हाउसिंग कॉलोनी स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट किया। जिला युवा कांग्रेस कमेटी के धनबाद जिला अध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ सोनू सिंह ने कहा कि आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिस मौके पर जिला युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा 100 यूनिट ब्लड दान करने का लक्ष्य के साथ हाउसिंग कॉलोनी स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। एरियन लेडी के नाम से पूरे विश्व में क्या हमारे एरियन लेडी इंदिरा गांधी जी तिथि है और साथ साथ में लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। और आज हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से पूरे जितने भी यहाँ पदाधिकारी गण हैं दोनों के क्या बोलते हैं हमको सदन इसके फोटो पे हम लोगों ने माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि दी। और मैं आपको एक चैनल के द्वारा स्पष्ट कर दे रहा हूँ एक चीज कि इंदिरा गांधी जी ने इस देश का समय बहुत लगेगा लेकिन थोड़ी सी बात मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ हिंदुस्तान के लिए और यहाँ के गरीबों के लिए यहाँ के आवाम के लिए जो सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया 1971 में बैंक हुआ चाहे आपका कुलियरी हुआ सबको निखलैज किया। जो आज आप देखिए जो पहले शोषण होता था यहाँ पे मजदूरों का प्राइवेट खदानों में और कोल सेक्टर में उन्होंने 1971 में इसको निस्लैच किया और आज आप देख लीजिए कितने कामगार कितने करोड़ों की संख्या में लोग अपना काम करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी जी ने उनकी जो पॉलिसी थी विदेश की जो पॉलिसी थी उसके तहत हिंदुस्तान को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। और लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान का हमारा यही रहा है एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि जो अच्छा काम करता है उसके साथ यही दुर्गति उनको 34-35 गोली से भून दिया गया। तो पूरा गांधी परिवार मैं स्पष्ट कर पूरा गांधी परिवार इस देश के लिए बलिदान दे दिया। उनके बेटे राजीव गांधी उनको बम से उड़ा दिया गया। आज जो आरएसएस भाजपा वाला बोलते हैं इस देश के बारे में तो आपको आप बताइए कि पूरे क्या बोलते हैं आपके ये स्वतंत्र सेनानी में जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त एक भी नाम बताइए भाजपा के आरएसएस के लोगों का। अरे पूरा का पूरा देश जो है गांधी परिवार महात्मा गांधी जी बड़े बड़े यहाँ महापुरुषों ने अपना बलिदान देकर कर इस देश को आजाद कराया। और आज क्या हो रहा है आज जस्ट उसके उल्टा 2014 के बाद तो पूरा संविधान को उलट दिया गया। क्या आपको महसूस नहीं होता है कि ये आपातकाल घोषित है। ये 220 रुपए किलो टमाटर सुने थे कभी क्या इनके कार्यकाल में क्या क्या नहीं हो रहा है आप कौन कौन सा क्या क्या नहीं हुआ इनके कार्यकाल में नोटबंदी से लेकर के हर चीज ये नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जिन्होंने इस देश को आजाद कराया उसकी पूजा नहीं कर करके और आप देख लीजिए कि किन की पूजा होती है गोडसे की पूजा करते हैं ये लोग हत्यारे हैं गांधी जी के इस मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है।
कि आज नहीं सुनिए दो मिनट आप मेरी बात को एक मिनट सुनिए आप, देश की आजादी में आपने हमारे महात्मा गांधी, ठीक है, पूरे विश्व जानता है कि पूरे हिंदुस्तान को आजादी में उन्होंने क्या क्या नहीं किया, अपना क्या बलिदान दिया, उनकी हत्या कर दी गई, देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, देश का पहला आतंकवादी हो नाथूराम गोडसे, उसकी उसके द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। और आप बीच बीच में सुनते होंगे कि नया नया सगुफा आता है कि उसका पूजा किया जाता है, ये हमारा देश का हालात है, हमारा देश कहाँ जा रहा है। और पुनः मैं आखिरी बात एक बात बोल रहा हूँ कि जनता यहाँ की सब समझ चुकी है, बस 2014 में या 2024 में इसको जनता जवाब देगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली की गद्दी पे कांग्रेस पार्टी या गठबंधन इंडिया गठबंधन काबिज होगी और इस देश को फिर से नया संविधान और नया सब कुछ, नया संविधान के उस संविधान का पालन करेगी और लोगों की रक्षा करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है आज? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का शहादत दिवस है और साथ ही लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के अवसर पर धनबाद जिला युवा कांग्रेस के द्वारा आज हम इंदिरा जी के बलिदान को युवाओं का रक्त दान करके याद कर रहे हैं कि हमारा रक्त किसी के काम आ सके, इस देश के काम आ सके। तो इसी कार्यक्रम में हम लोग आज 100 यूनिट ब्लड डोनेशन का धनबाद जिला युवा कांग्रेस कार्यक्रम रखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं युवा क्रम वाइज अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं।